पर कौन था, इसको लेके अलग अलग वर्जन सामने आ गए हैं, आपकी जांच में क्या आया है और क्या ड्राइवर बदलने की कोशिश? हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। इंटरनल इंक्वायरी में कुछ लैप्सेस लोकल पुलिस स्टेशन के अधिकारी के बारे में आई है, उनके विरुद्ध जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा। जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे जब वो घर से निकला था उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे हमने, हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज्ड चला रहा था। इसके साथ साथ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट भी हमारे पास है जो टेक्निकल एविडेंस को कोरोबरेट करती है। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार की कुछ अटेम्प्ट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रयत्न किया गया था कि इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है, इसकी हम पूरी तरीके से तहकीकात करके जो भी इस प्रकार का प्रयत्न किया उसके विरुद्ध 201 आईपीसी एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, जो आपने इंटरनल इंक्वायरी के लिए एक टीम बनाई है वो क्या जांच कर रही है, किन आरोपों की? इंटरनल इंक्वायरी में कुछ लैप्सेस लोकल पुलिस स्टेशन के अधिकारी के बारे में आई है, उनके विरुद्ध जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्लड सैंपल्स शुरू में एक ब्लड सैंपल ससून हॉस्पिटल में नियम के अनुसार हुआ था, जिसको जो कि सुबह आरोपी को 9 के आसपास ससून हॉस्पिटल में गुना दाखिल होने के बाद भेजा गया था, वो गुना दाखिल होने के बाद ब्लड सैंपलिंग ली गई थी। इसमें चूंकि ये सेंसिटिव केस था, एज अ मैटर ऑफ एबंडेंट प्रिकॉशन ब्लड सैंपल बदली तो नहीं गई, इसको एश्योर करने के लिए, इसको श्योरिटी के साथ वो करने के लिए शाम को इस आरोपी का एक और ब्लड सैंपल लिया गया था और दोनों सैंपल्स फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजे गए हैं ताकि वो फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल एक ही डीएनए का, एक ही व्यक्ति का है, इसको निश्चित करने के लिए ये कार्रवाई की गई। सर, क्या ये ब्लड सैंपल रिपोर्ट से या डीएनए की रिपोर्ट से ड्रग कंज्यूम किया था किसी पार्टी में, ये भी सामने आ सकता है? जरूर, जो भी ब्लड की सैंपल जो रिपोर्ट के लिए भेजी गई है उसमें अल्कोहल, ड्रग्स या और भी कोई बैंड सब्सटेंसेस का यूज हुआ है या नहीं, ये सभी बात सामने आ सकती है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स शेरवानीज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस किड्स फॉर रिसेप्शन मैरिज एंगेजमेंट एथनिक वेयर्स पार्टीज फेयरवेल एंड मच मोर। फर्स्ट ब्रांच एट तिमापुरी चौक गुलबर्गा, सेकंड ब्रांच एट सुपर मार्केट गुलबर्गा।